जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुरु योग श्लोक 23। ये त्वन्या देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ना राज विद्या राजगुरु योग की शिक्षा दे रहे हैं। परमात्मा कह रहा है, हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवता का प्रति श्रद्धा रखा और लगन से उन देवता की पूजा करा, वो भी मेरा ही पुजारी है। लेकिन यह उचित पूजा को नहीं, यह अनिवार्य पूजा नहीं है अर्जुन, यह एक नियम विरुद्ध पूजा है। यह एक ऐसी पूजा है जो विधि के अनुसार को नहीं की जावा। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करया कि अन्य सभी देवता उन्हा का शरीर की तरह है, और अगर मैं उन्हा की पूजा भी करा तो वह उनका ही है, लेकिन यह सही विधि नहीं है। श्री कृष्ण परमात्मा का निर्देश न अपना मन में रखा, याद रखा कि भले ही मैं अन्य देवता की पूजा करा, वह श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन्नारायण की पूजा कर रहा हाँ, लेकिन इस तथ्य ने याद रखा कि श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं स्पष्ट रूप से कह रहा है, इसी विधि है पूजा को सही तरीका नहीं है, यह उचित पूजा नहीं है। इसलिए आओ मैं केवल अपना आराम और औचित्य के लिए इसो न करा, बल्कि जैया श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा वहीं ही करा, अपना मन न तैयार करा और सीधा श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन्नारायण की पूजा करा और श्री कृष्ण का प्रति समर्पण करके अपना जन्म न सार्थक बनाने को प्रयास करा। परमात्मा या श्रीमन्नारायण और आओ श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न श्लोक का रूप में बहें दोहरावा जैया वो है। ये त्वन्य देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद् गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करें, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिषे वचनम त्व, जी को अर्थ कृष्ण मैं बहियाँ ही करूँगा जैया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन न सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपना दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन, हे श्रीमन्नारायण, जैया थे निर्देश दिया, मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जैया थे सलाह दिया, मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जैया थे अनुसरण करना बोला था, मन पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा
और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माम एकम शरणम ब्रज, याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा, याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूँ। मारो आठो वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता न गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा न आठ वचन दिया हाँ, मैं रोज श्रीमन नारायण न वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। ये त्वन्या देवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। ओम एत्वन्यदेवता भक्ताः यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। जय श्रीमन नारायण। सब भक्ता सा विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ा सा तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज एक मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstrot.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहा जावा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी होगा। यह इतनो उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन आइया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।